हेलो फ्रेंड्स, टेक ही सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज जो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस के बारे में कि जेईई मेंस या सीबीएसई की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं दूसरी हैं या सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल जी ने काफ़ी बच्चों के आंसर्स दिए, तो पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कब एग्ज़ाम होंगे, क्या सिलेबस कम होगा। बच्चे चाह रहे थे कि ये पोस्टपोन्ड हो, जुलाई में एग्ज़ाम हो, सिलेबस कम कर दिया जाए, फिर जेईई मेंस एडवांस में ज़्यादा कम क्वेश्चन किए जाएं, समय ज़्यादा दिया जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए और पोखरियाल जी ने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दिए इसमें। लेकिन मेन क्या क्वेश्चंस थे और क्या उन्होंने आंसर दिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल आपको दूंगा। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं। तो सबसे बड़ी जो क्वेश्चंस था वो प्रैक्टिकल से संबंधित था कि जो स्कूल सभी काफ़ी जगह पे नहीं खुले हैं तो प्रैक्टिकल कैसे होंगे। तो उन्होंने आंसर में दिया कि अभी इस पे विचार किया जा रहा है कि अगर स्कूल बिल्कुल ही नहीं खुलेंगे तो प्रैक्टिकल्स के बदले में कैसे प्रोसेस किया जाए और इस पे विचार किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो सिलेबस क्या कम कर दिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस अभी तक कम किया है तो वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वो कम करना चाहिए, या फिर उसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में 10-20% कम करना चाहिए और साथ में उसका समय भी बढ़ा देना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा था, बच्चे काफ़ी परेशान हैं नीट के जेई के, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा कि बच्चों को अलग से ज़्यादा समय दिया जाए या क्वेश्चंस उसमें कम कर दिए जाएं, तो उस पर भी विचार करेंगे। तो काफ़ी उन्होंने बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं दिए, काफ़ी विचार करने की बात उन्होंने कही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या सिलेबस और सिलेबस कम नहीं करना है लेकिन बोर्ड की जो तिथियां हैं वो आगे बढ़ा देनी चाहिए। तो इसके आंसर में उन्होंने कहा कि तिथियां पहले भी बढ़ाई गई हैं, अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी, ज़्यादा बुरी होंगी परिस्थितियां, तो हो सकता है तिथियों को उसके अनुसार ही रखा जाएगा, लेकिन क्लियर उन्होंने यहाँ पर भी नहीं कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है तो जेई जो एडवांस है या मेंस है, क्या उसका भी जो सिलेबस है वो कम होगा, तो इसका आंसर उन्होंने यहां पर एक हिंट दिया कि देखिए कि जो सिलेबस है जेई एडवांस का, जेई मेंस का या दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, उसमें सिलेबस जैसे कम किया गया है तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस वहां पर कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन जैसे 100 मार्क्स का कोई पेपर आता है तो उसमें पूरा सिलेबस दिया जाएगा, लेकिन बच्चों को वहां पे 80% क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चंस वहां पे कर दिए जाएंगे। इस तरह का उन्होंने हिंट दिया कि इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस तरह से ये कार्य हो सकता है कि उसको क्वेश्चंस कुछ ऑप्शनल कर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि जेई परीक्षा उसको फिक्स कर दिया जाए उसकी, ताकि बच्चे तैयारी कर पाए और साथ में ही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2 बार 3 बार 4 बार तक इसकी, ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि जेई एडवांस की जो परीक्षाएं हैं 2 से 4 बार तक कर दी जाए ताकि बच्चों की परिस्थितियां बदलती रहेंगी और वो अपनी तैयारियां करते रहेंगे। तो इस आंसर में उन्होंने उसको काफी सराहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो इस पे भी विचार करेंगे कि आगे कैसे इसको किया जा सकता है। तो निश्चित जो पाठ्यक्रम है उसका निश्चित कर दिया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि जेई का जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित कर दिया जाना चाहिए, उसका टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इसको ऐसा किया जाएगा और जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। कुछ छात्रों ने कहा था कि परीक्षा को स्थगित करना चाहिए और जुलाई के पहले हफ्ता में इसमें कर दिया जाना चाहिए और तिथियों की घोषणा कर देनी चाहिए, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि अभी ये परिस्थितियाँ जैसी बनेंगी उसी के आधार पर तिथियों की जल्द ही घोषणा की जाएगी।
नीट की परीक्षा के संचालन में ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे किया जाए, क्योंकि जेई एडवांस की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होती है जबकि नीट की ऑफलाइन होती है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि अगर वो चाहते हैं कि उसमें जो परीक्षा है वो ऑनलाइन कराई जाए तो उसमें भी आगे विचार किया जाएगा कि क्या इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ऑनलाइन करा दी जाए। अब सिलेबस को कम करने के लिए भी उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने कहा कि सिलेबस को जो कम कर दिया गया है उसमें कभी अभी बच्चों को बहुत संदेह है और इसकी कोई वीडियो बनाकर बताई जाए कि वीडियो से बच्चे ज़्यादा समझ जाएं। तो उन्होंने कहा कि CBSE की वेबसाइट पे सारा का सारा डाटा दिया गया है, कितने जो क्वेश्चन, कितने सिलेबस को कम कर दिया गया, ये सारी डिटेल बताई गई हैं। फिर भी अगर परेशानी है तो प्राचार्यों को बताया जाएगा कि वो अपने बच्चों को सारी की सारी डिटेल दे। अब नया पैटर्न है, जो जैसे कि बच्चे ने पूछा कि नया पैटर्न है तो उसमें समय ज़्यादा चाहिए पैटर्न को समझने के लिए, तो आपका टाइम बढ़ाना चाहिए और इसकी तिथियां भी घोषित करनी चाहिए। तो इसके बारे में भी कहा कि पैटर्न को काफ़ी समय हो गया है और इसको आप समझ चुके हैं तो आगे इसके ऊपर विचार किया जाएगा कि कैसे इसको करना है। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कूल जब खुल रहे हैं तो काफ़ी जो राज्यों में स्कूल खुले तो वहाँ पे संक्रमण ज़्यादा फैल गया, SOP का भी ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो इस परिस्थिति में कैसे स्कूल खुल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को इसमें अपने आप स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा, वो अभी भी घरों में रहकर भी संक्रमित हो सकते हैं, स्कूल मालिकों को, स्कूल संचालकों को, चालकों को, सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क का ध्यान रखना है और उसको करना पड़ेगा, अपना स्वयं का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि ये संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल पाए। तो बच्चे जो मैं देख रहा था कि बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो पोस्टपोन के लिए, एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन बच्चे चाह रहे थे कि इस पर कोई स्पष्ट राय दें और तिथियों की घोषणा करें। बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि परीक्षा का जो सिलेबस है वो और कम कर दिया जाना चाहिए, पैटर्न में जो बदलाव है उसको ना चेंज करें और सिंपल तरीके से ऑनलाइन कराएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस कमेंट्स में काफ़ी आ रहे थे और जिसके आंसर्स पोखरियाल जी की इस जो वार्ता में नहीं आ पाए, तो बच्चे काफ़ी नाराज़ भी थे कि वेस्ट ऑफ टाइम कुछ लिख रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो आप अपनी राय बताइए कि क्या ये जो वेबिनार हुआ वो सही था या गलत था, या उनके क्वेश्चंस आपके क्या क्वेश्चंस थे, तो पूरी डिटेल आप बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।